ये मैं राधा रानी के लिए लहंगा बना रही हूँ। राधा रानी की कमर का साइज ले रही हूँ, 4.5 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच में 25 चैन बुनी है। 25 डबल क्रोशिये से 2 लाइन बुन के तैयार कर ली है। तीसरी लाइन बुनेंगे, 2 चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे, तीसरी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 2 चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक दो, तीसरी में से 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक दो, और फिर 2 चैन में से एक एक बार बुनेंगे, तीसरी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनेंगे। ये लाइन हमने पूरी ऐसे ही बुननी है, 2 चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी में से 2 बार डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन में से 2 बार, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तीसरी चैन में से 2 बार, एक डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में से 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया एक चैन में से, एक चैन में से 2 बार, एक बार। अगली लाइन में कैसे करना है, 2 चैन बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे में 2 बार बुनेंगे, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरे में 2 बार बुना, अब तीसरे के बाद चौथे में 2 बार बुन रहे हैं, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसमें से 2 बार, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में से 2 बार, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, चौथे में से 2 बार,
एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चौथे में से 2 बार। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चौथे में से 2 बार। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चौथे में से 2 बार। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चौथे में से 2 बार। पहली लाइन में हमने 2 चैन में से एक एक बार डबल क्रोसिया बुना, तीसरे में 2 बार एक चैन में से। दूसरी लाइन में 3 चैन में से एक एक बार डबल क्रोसिया बुना, चौथी में 2 बार। अब इसमें 2 चैन बुनेंगे, एक डबल, दो डबल क्रोसिया, चैन भी डबल क्रोसिया है, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांचवी में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांचवी में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांच में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांचवे में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांचवे में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांचवे में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांच में से 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया,
चार डबल क्रोसिया, पांचवे में से दो बार बुनेंगे। एक डबल क्रोसिया, ये टोटल पांच लाइनें बुन ली है। पहली दो लाइनों में तो हमने 25 चैन में 25 डबल क्रोशिया बुन रखे हैं। तीसरी लाइन में हमने दो चैन में से एक एक बार, तीसरी चैन में से दो बार, दो चैन में से एक 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 बार डबल क्रोशिया, तीसरी चैन में से दो बार, ऐसे तीसरी लाइन बुन रखी है। चौथी लाइन में हमने दो चैन की जगह तीन चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बुन रखा है, चौथे में दो बार, तीन चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया, चौथे में दो बार, उससे ऊपर वाली लाइन में चार चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, पांचवे में दो बार, चार चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, पांचवे में दो बार। अब इससे ऊपर वाली लाइन बुनेंगे, उसमें पांच चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, छठी चैन में से दो बार। उससे ऊपर वाली लाइन बुनेंगे, उसमें छह चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, सातवीं में दो बार। ये मैंने इसके ऊपर की और लाइन बुन ली है। ये टोटल 12 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इसमें दूसरे कलर की ऊन जोड़ के इसके आगे बनाऊंगी। ये मैंने ऊन जोड़ ली है, छह चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया, 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 तीसरी में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 2 चैन छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया, 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 तीसरी में सिंगल क्रोशिया, 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 तीसरी में सिंगल क्रोशिया, 4। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर से लाइन कंप्लीट कर ली है। क्रोसिए के ऊपर से लेंगे, चैन के अंदर से पांच बार, 1 2 3 4 5, अब तीन चैन बुनेंगे, 1 2 3, 3 को ऊपर से लेंगे और अंदर से पांच बार, 1 2 3 4 5, तीन चैन बुनेंगे, 1 2 3, फिर
फिर पांच बार लेंगे ऐसे ही, एक दो तीन चार पांच, तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, अगली चेन में पांच बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच। अब तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, पहली वाली के नीचे से क्रोशिया निकाल लेंगे ऐसे। अब पांच डबल क्रोशिया फिर से इसी चैन में से बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। इसके साथ में ले जाके फिर से ऐसे निकाल लेंगे। अगली वाली चेन में फिर से क्रोशिए के ऊपर लेंगे और चैन के अंदर से पांच बार, दो तीन चार पांच। तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से अंदर से लेंगे पांच बार और पांच बार क्रोशिए के ऊपर से, एक दो तीन चार पांच। पांच चैन, तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर पांच बार लेंगे क्रोशिए के ऊपर से, पांच बार चैन के अंदर से, एक दो तीन चार पांच। फिर तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, पांच डबल क्रोशिया बुनेंगे अगली चेन में, एक दो तीन चार पांच। तीन चेन बुनेंगे, एक दो तीन, पहली चैन में से क्रोशिया लेके बुन लेंगे ऐसे, फिर पांच बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसके आगे भी ऐसे ही बुन लेंगे।
ये लहंगे में डिजाइन डालकर लहंगा कंप्लीट कर लिया है। ये मोती है, ये इसमें ऐसे मोती लगा देंगे। ये मैंने पहले से ही बेल्ट बना रखी है, इसको यहाँ पे या तो सील देंगे या इन क्रोसी बुने हुए हैं डबल क्रोसिए इनके अंदर से डाल लेंगे। इसके ऊपर भी एक मोती लगा देंगे। ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है।